ये क्वेश्चन लिमिट का है, अगेन है सिंपल क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ऊपर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ बीटा एक्स, डिवाइड किया बीटा एक्स से, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बीटा एक्स से, नीचे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन लिखी हुई है अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन नथिंग। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू वन, तो ये लिमिट वन आ गई, यहां से अपने पास आ गया एक्स क्यूब को मैं नीचे लेके चला गया, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बीटा, नीचे आ गया अपने पास अल्फा एक्स माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस का एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन, नीचे आ गया एक्स का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू वन। सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बीटा, यहां से एक रिलेशन आएगा अल्फा माइनस वन टाइम्स ऑफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई सिक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब अगर मैं लिमिट इसमें अप्लाई कर रहा हूं तो ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब इस क्वांटिटी की वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये इन्फिनेटिव चली जाएगी। तो अल्फा माइनस वन को जीरो रखते हैं अपने पास, अल्फा की वैल्यू वन आ गई, यहां से मैंने सिंप्लीफाई किया तो बीटा अपॉन सिक्स मतलब सिक्स बीटा की वैल्यू वन आ गई, यानी अल्टीमेटली अल्फा वन आ गया सिक्स बीटा वन आ गया। जो रिलेशन पूछा गया उसमें पुट करेंगे तो सिक्स अल्फा प्लस सिक्स बीटा दैट विल बी इक्वल टू सिक्स प्लस वन, अल्टीमेट आंसर सेवन। ओके, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54, अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा इजीली, एक्स टू एक्स थ्री एक्स एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर वन 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 प्लस, तो सेकंड वाला डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू आएगी आपके पास एक्स टू एक्स थ्री एक्स एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एट एक्स क्यूब एंड ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब दैट विच इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आपको दिख रहा है इससे एक्स कॉमन निकलेगा, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अल्टीमेटली एक्स क्यूब बाहर आएगा, अंदर बचेगा वन 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 टू टू का स्क्वायर वन थ्री थ्री का स्क्वायर वन। सिमिलरली यहां से मैं एक्स कॉमन लूंगा एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा एक्स क्यूब कॉमन लूंगा, बाहर निकल गया एक्स की पावर सिक्स, अंदर बचेगा वन टू थ्री वन टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर वन टू का क्यूब थ्री का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू जीरो। दिस इज दीज आर द टू लविंग डिटरमिनेंट, इफ यू सिंप्लीफाई दीज पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स तो ये एक लविंग डिटरमिनेंट होता है, ये एक लविंग डिटरमिनेंट होता है। पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वन माइनस टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस वन प्लस, दूसरा डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वन माइनस टू इंटू टू माइनस वन इंटू थ्री माइनस वन इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहां से आपको दिख रहा होगा एक्स क्यूब इंटू, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा माइनस का वन प्लस का टू माइनस का वन अल्टीमेटली टू प्लस एक्स की पावर सिक्स टाइम्स ऑफ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का वन प्लस का वन प्लस का टू और सिक्स सिक्स टू का ट्वेल्व प्लस माइनस का ट्वेल्व दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो, ये अपने पास सिंप्लीफाई करके सॉरी दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है, इसको 10 के बराबर लेंगे अपन, इसको 10 के बराबर लेंगे, इसको 10 के बराबर लेंगे। एक्स क्यूब को मैं टी मानूंगा तो यहां से इक्वेशन बन के आएगी टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 12 माइनस का 2 टी प्लस का 10 शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां से टी को सॉल्व करेंगे टी की दो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी, यहां से एक्स क्यूब के दो सोल्यूशन आएंगे, एक्स क्यूब के दो रियल वैल्यूज आएंगी, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स की एक वैल्यू आएगी, इसके रिस्पेक्ट में एक्स की एक वैल्यू आएगी, यानी अल्टीमेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसने आपसे पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल्स टू टू। इसी तरीके का सॉल्यूशन लेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक कर लेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा।